कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो यह होता था विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था, लेकिन पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे। सीधी बात है कि वो अडानी के मुद्दे को वो टालना चाहते हैं, उसके भटकाना चाहते हैं, और इस कारण से इस प्रकार से गतिरोध पैदा किया गया है। और आज कोई भी जितने भी भारत में संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है उसको डराने का काम, उसके प्रभाव लाने का काम, दबाने का काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है। जिस प्रकार से रिजिजू जी का बयान आया और भी जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबको दबाने की कोशिश। अभी बीबीसी पे जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ़ लिखेंगे तो आपके आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है जिसमें राजनीतिक शुचिता ख़त्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें, तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हों, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे सम्मान देते भी थे, विचारधारा अपनी अपनी थी और विचार के लिए लड़ते भी थे। इसका एक जीता जाता उदाहरण, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी की तबीयत खराब हुई थी और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था, तो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों गया था उसको परमानेंट मेंबर बना के अमेरिका भेजा गया, उसका इलाज कराया गया। और इस बात का खुलासा राजीव जी के देहावसान के बाद, उसकी शहादत के बाद, अटल जी ने खुद किया था। तो ये एक राजनीति परस्पर जो सद्भाव था अब वो समाप्त हो गया है, और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के प्रति क्या क्या बोले, राहुल जी के बारे में क्या बोले हैं, और ये संबित पात्रा जैसे लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो स्तर गिराने का काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। देखिए, तो न्यायालय का मामला है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में बैंक का कोई गड़बड़ी करके विदेश भागे और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई बोले और उसको सजा हो जाए, तो ये तो समझ से परे है। लेकिन हम इसके खिलाफ अब कोर्ट से जमानत भी
मिल गया है और मिलेगा नहीं मिलेगा तो हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसमें। लेकिन एक तो एक तरह से एक ये इमरजेंसी जैसा हालात हो जा रहा है कि अगर कोई हिंदुस्तान में गड़बड़ी करके हिंदुस्तान से बाहर भागे और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी भी ना कर पाए, ये बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं।